तुलसी एक द्विबीजपत्री तथा शाकीय औषधीय पौधा है। यह झाड़ी के रूप में उगता है। तुलसी का पौधा 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां बैंगनी आभा वाली हल्के रोए से ढकी होती हैं। पत्तियां 1 से 2 इंच लंबी, सुगंधित और अंडाकार या आयताकार होती हैं। पुष्प मंजरी अति कोमल एवं 8 इंच लंबी और बहुरंगी छटाओं वाली होती है, जिस पर बैंगनी और गुलाबी आभा वाले बहुत छोटे हृदयाकार पुष्प चक्रों में लगते हैं। बीज चपटे पीत वर्ण के छोटे काले चिन्हों से युक्त अंडाकार होते हैं। नए पौधे मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगते हैं और शीतकाल में फूलते हैं। पौधा सामान्यतः 2-3 वर्षों तक हरा बना रहता है। इसके बाद इसकी वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था में इसके पत्ते कम और छोटे हो जाते हैं और शाखाएं सूखी दिखाई देती हैं। इस समय उसे हटाकर नया पौधा लगाने की आवश्यकता होती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे पर या बाग में लगाते हैं। भारतीय संस्कृति के चिर पुरातन ग्रंथ वेदों में भी तुलसी के गुणों और उसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है। एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं में भी तुलसी का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। तुलसी की कई प्रजातियां हैं, जिसमें से ऑसिमम सैक्टम को प्रधान या पवित्र तुलसी माना जाता है। ऑसिमम सैक्टम की भी 2 प्रधान प्रजातियां हैं, श्री तुलसी जिसकी पत्तियां हरी होती हैं तथा कृष्णा तुलसी जिसकी पत्तियां नीलाभ अथवा बैंगनी रंग लिए होती हैं। गुण धर्म की दृष्टि से काली तुलसी को ही श्रेष्ठ माना गया है, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि दोनों ही गुणों में समान हैं। तुलसी में अनेक जैव सक्रिय रसायन पाए गए हैं, जिनमें ट्रेनिन, सैवोनिन, ग्लाइकोसाइड और एल्केलाइड्स प्रमुख हैं। तुलसी माला 108 गुरियों की होती है। तुलसी माला धारण करने से हृदय को शांति मिलती है। तुलसी ऐसी औषधि है जो ज्यादातर बीमारियों में काम आती है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग और श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो ये थी तुलसी के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।